हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो टैली प्राइम की है और टैली प्राइम में ये देख सकते हैं, ये क्वेश्चन लिखा गया है, संजय क्रेडिटर से 20,000 का सामान खरीदा। अब वो डेट जो है मैं यहां पे लिख देता हूं 1/4/2021 को 20,000 का सामान खरीदा गया है, ठीक है। वो डेट मैंने यहां लिख दिया है 1/4/2021, इसको देख सकते हैं आप, 1/4/2021 को संजय क्रेडिटर से 20,000 का सामान खरीदा। अब इसकी एंट्री टैली प्राइम में कैसे पास होगी? अगर हम बात करें कि सामान खरीदा, तो इसमें ये तो दिया नहीं हुआ है कि कितना सामान खरीदा। अब जैसे ही आप टैली प्राइम में जाते हैं, तो हमने आपको बताया है कि परचेज वाउचर में जाने के लिए F9 प्रेस करते हैं, और F9 प्रेस करके जैसे ही आएंगे तो यहां पर आपको नेम ऑफ आइटम दिखाई पड़ेगा। अब इस कंडीशन में हो जाती है कंफ्यूजन कि अब क्या करें अगर ऐसा सवाल आ जाए तो इस कंडीशन के लिए बिल्कुल मैं आपको तैयार करूंगा। तो चलिए आइए समझते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे। तो देखिए ना, यहां पर एक तो बताया था मैंने चेंज मोड वाला ऑप्शन, तो ये कंट्रोल के साथ H प्रेस करने से चेंज मोड वाला विंडो ओपन हो जाता है, ठीक है। अब इसमें तीन तरीके के मोड दिए हुए हैं, पहला है आइटम इनवॉइस, दूसरा है अकाउंटिंग इनवॉइस, तीसरा है वाउचर मोड। तो आप एक बार अकाउंटिंग इनवॉइस मोड को एक्टिवेट करते हैं, तो ये देखिए ये अकाउंटिंग इनवॉइस मोड है, ठीक है। हमें अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में भी नहीं जाना है, हमें किस मोड में जाना है, हमें वाउचर मोड में जाना है। एक बार वाउचर मोड चलाते हैं तो यहां पर देखिए आपको क्रेडिट लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा यहां डेबिट क्रेडिट का काम लगेगा, तो यहां पर सप्लायर का जो भी आपका इनवॉइस नंबर हो वो डाल दीजिए, वो डेट डाल दीजिए जिस डेट पर होगी परचेजिंग। तो यहां से F2 प्रेस करके 1/4/2021 कर देते हैं, क्योंकि यही डेट है, ठीक है। एंटर कर दिया। अब यहां पर 1 अगस्त आ रहा है, तो यहां पर हाथ से ही टाइप कर दीजिए, काम हो जाएगा, डेट तो चेंज हो गया है। तो ये एंटर कर दिया हमने, ठीक है। अब नाम क्या है क्रेडिटर पार्टी का? संजय। ये देखिए क्वेश्चन यहां पर है, संजय क्रेडिटर से, तो क्रेडिटर पार्टी का लेजर क्रिएट होगा, ठीक है। अगर पहले से बना है तो ठीक है, नहीं तो क्रिएट कर लीजिए। तो ये लिख दिया मैंने संजय क्रेडिटर, ठीक है, ये लिख दिया ना, एंटर प्रेस किया। इसको डालेंगे सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप में, तो ये ग्रुप आपका यहां पर दिख रहा है, सन्ड्री क्रेडिटर कर दीजिए, एंटर कर दीजिए और इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। ये हो गया एक्सेप्ट, ठीक है। अब जैसे ही एक्सेप्ट होगा तो ये इस तरीके से आएगा, तो इसको भी एंटर करके एक्सेप्ट करा लीजिएगा, ठीक है। ये सब एक्सेप्ट हो जाएगा, तो डायरेक्टली आपका कर्सर जो है क्रेडिट यहां पर आ जाएगा कि यहां पर आपको अमाउंट डालना है, और ऊपर क्या दिया हुआ है, क्रेडिट दिया हुआ है ना, तो यहां पर क्रेडिटर पार्टी को ही क्रेडिट करेंगे, उधारी में माल इन्हीं से लिया जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए कितना हजार रुपया है, 20,000 का सामान है ना, तो 20,000 रुपया यहां कर दीजिए, कर दिया, एंटर कर दीजिए। यहां पे न्यू रेफरेंस आएगा, इसको एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कराइएगा। यहां पर लगाइएगा परचेज अकाउंट, आपको क्या लगाना है, परचेज अकाउंट का लेजर लगाना है, हमने परचेज किया है, ठीक है। बाकी यहां पे कुछ नहीं करना है, स्टॉक आइटम वगैरह का कोई भी डिटेल आपको डालना नहीं है। एंटर प्रेस कीजिए, यहां पर डाल दीजिए परचेज्ड गुड्स, नरेशन डालना है आपको, फ्रॉम संजय क्रेडिटर, ठीक है। तो ये मैंने डाल दिया है, और कितने तारीख को खरीदा गया है, ये खरीदा गया 1/4/2021, ये डाल दिया, एंटर प्रेस करते हुए इसे एक्सेप्ट करा लीजिए, बस काम हो गया आपका। एक बार के प्रेस कर लेते हैं ताकि हमें वो एंट्री दिखाई पड़े, इस एंट्री को आप देख सकते हैं। अगर आप इसका प्रिंट निकालना चाहते हैं तो ऑल्ट के साथ पी प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए और यहां आई बटन प्रेस कर दीजिए, बस आपको ये एंट्री नजर आ रही है, देख सकते हैं। ये हमारा कंपनी का नाम है, कंपनी का एड्रेस है, और जो सप्लायर है उसका नाम यहां पे आ रहा है, ठीक है। यहां पर हमने परचेज अकाउंट लगा दिया, क्योंकि हमें ये पता नहीं कि क्या क्या माल हमने खरीदा है, राइस खरीदा, शुगर खरीदा, क्या खरीदा। केवल हमें क्वेश्चन यही दिया गया है कि ये जो है संजय क्रेडिटर से 20,000 का माल खरीद रहे हैं 1/4/2021 को, तो इसीलिए हमने ये एंट्री पास कर दिया। आई होप कि बात समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।